सो गाइस, लास्ट दो वीडियोस पे हमने टाइमेक्स TWTG73 SMU सीरीज की वॉचेस का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था, जिसमें एक व्हाइट डायल कलर वेरिएंट था और दूसरा ब्लैक डायल कलर वेरिएंट था। उससे पहले मैंने गोल्ड डायल कलर वेरिएंट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज इस वीडियो में हम तीनों ही वॉचेस को कंपेयर करेंगे कि अगर आपको तीनों में से कोई एक वॉच लेनी है तो कौन से कलर वेरिएंट वाली वॉच आपको प्रीफर करनी चाहिए। सो फाइनली यहां पर है हमारा वॉच बॉक्स, जिसमें कुछ वॉचेस है, मैं आपको खोलकर दिखाता हूं। और यहां पर है टाइमेक्स की लगभग ज्यादा वॉचेस है इसमें, और ये वाली है वो वॉचेस जिसका आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे, जिसमें है एक ब्लैक डायल कलर वेरिएंट, दूसरा व्हाइट डायल कलर वेरिएंट और तीसरा है गोल्ड डायल कलर वेरिएंट। अब इन तीनों ही वॉचेस का सेपरेट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा यहां पर टाइमेक्स TW0TG7300 सीरीज की वॉचेस का भी ऑलरेडी चैनल पर रिव्यू अवेलेबल है। यहां पर है केसियो MTP सीरीज की वॉचेस, जिसका भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। सो आप बाद में जाकर चेकआउट कर सकते हैं उन सारी वीडियोस को, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम तीनों ही वॉचेस को बाहर निकाल लेते हैं जल्दी से, और इन तीनों ही वॉचेस का आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे। वॉचेस आ चुकी है बाहर, और सबसे पहले हमने चैनल पर इस गोल्ड डायल कलर वेरिएंट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था। आपको अच्छी तरह से पता है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो चैनल पर सबसे पहले इस सीरीज की इसी कलर वेरिएंट का जो वीडियो है वो आया था। उसके बाद में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो इस व्हाइट डायल कलर वेरिएंट का किया था, और रिसेंटली अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो इस ब्लैक डायल कलर का जो है वो अपलोड किया था, यहां पर आप देख सकते हैं। सो इस सेम सीरीज की तीनों ही डायल कलर वेरिएंट यहां पर अवेलेबल है मेरे पास, और आज के इस वीडियो में इन तीनों को ही कंप्लीट कंपेयर करेंगे कि तीनों में से अगर आपको कोई एक लेनी है तो कौन सी आपको प्रीफर करनी चाहिए। सो बात करते हैं सबसे पहले इस गोल्ड डायल कलर वेरिएंट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का गोल्ड डायल कलर वेरिएंट हमें मिलता है, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही वॉचेस के जो बिल्ट इन डिजाइन है, तीनों ही वॉचेस के जो यहां पर आपको डिजिट्स मिलेंगे सेम अरेबिक स्टाइल में न्यूमेरिक डिजिट्स मिलेंगे जो कि प्रिंटेड है, और साथ ही यहां पर आपको फील्ड वॉच की तरह तीनों ही वॉचेस में 24 आवर में जो न्यूमेरिक डिजिट्स है वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। साथ ही यहां पर जो दो वॉचेस है उसमें जो हैंड्स है वो एकदम सिमिलर है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इन दोनों ही वॉचेस में जो इनके हैंड्स है वो एकदम सेम है, जिसमें कि मिनट्स और आवर वाला हैंड ब्लैक है और जो सेकेंड वाला हैंड है वो लाइट येलो कलर का है। लेकिन यहां पर जो ब्लैक डायल कलर वेरिएंट है उसमें जो आर मिनट और सेकंड का जो हैंड है वो तीनों ही सेम कलर के है। साथ ही यहां पर आप जो डिजिट्स प्रिंटेड देख रहे हैं उसका कलर और इसके हैंड्स का कलर एकदम सिमिलर है। सो यहां पर आपको इन तीनों ही वॉचेस का अगर डायल कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं कि इन दोनों वॉचेस में इसके जो डिजिट्स है वो ब्लैक कलर में प्रिंटेड है, लेकिन यहां पर लाइट येलो कलर के यहां पर आपको जो हैंड्स मिलते हैं उसी कलर में जो यहां पर आपको इसके डिजिट्स प्रिंटेड मिलते हैं, साथ ही जो चैप्टरिंग है वो भी सेम कलर में प्रिंटेड मिलती है। इसके अलावा वॉच के डायमेंशंस, वॉच का वेट एकदम सिमिलर है और कोई भी यहां पर आपको चेंजेस नहीं मिलते हैं, और वन बाय वन में आपको इनको पहनकर भी दिखाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको तीनों में से ही अगर कोई एक कलर वेरिएंट लेना है तो कौन सा आपको लेना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको इसको पहनकर दिखा देता हूं, और यहां पर सबसे पहले जब हम गोल्ड कलर को पहनते हैं तो एक यहां पर मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा इसके स्ट्रैप कलर का। बाकी जो दो वॉचेस है दोनों में ही आपको ब्लैक कलर स्ट्रैप मिलेंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप गोल्ड कलर वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको जो स्ट्रैप का कलर है वो ब्राउन कलर मिलेगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। सो ये है कंप्लीट लुक इस गोल्ड डायल कलर वेरिएंट का पहनने के बाद में, जिसका लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आता है। साथ ही मैं आपको अब दूसरा वाला कलर वेरिएंट पहनकर दिखा देता हूं, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि आपको जो कंप्लीट लुक है वो किस तरह का मिलेगा इस व्हाइट डायल कलर वेरिएंट का। सो इसको भी मैं आपको पहनकर दिखा देता हूं, पहनने के बाद में आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। सो 7.5 इंचेस की रिस्ट पर 39mm का ये डायल साइज देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है, और ये जो व्हाइट डायल कलर वेरिएंट है वो पहनने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक देता है। साथ ही यहां पर मैं आपको जल्दी से जो ब्लैक डायल कलर वेरिएंट है वो भी पहनकर दिखा देता हूं, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा, और इसको पहनने के बाद में जो लुक है वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। इसको मैं प्रॉपर पहन लेता हूं, पहनने के बाद में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का प्रॉपर लुक आपको मिलने वाला है इस ब्लैक डायल कलर वेरिएंट का। सो आपने तीनों को ही सेपरेटली देखा कि तीनों को ही पहनने के बाद में जो लुक है वो किस तरह का आता है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही वॉचेस को पहनने के बाद में तीनों ही वॉचेस एक ही फ्रेम में यहां पर आपको प्रॉपरली आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का लुक देती है, जिससे कि आपके लिए इसको सेलेक्ट करने में और भी इजी हो जाएगा कि जो डायल कलर वेरिएंट सबसे ज्यादा पहनने के बाद में अच्छा लग रहा है वो आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको तीनों में से ही कौन सा वाला जो डायल कलर है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें तीनों में से कोई एक अगर आपको लेनी है
तो कौन सा डायल कैलर आपको ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। सबसे पहले तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको तीनों में से कौन सा डायल कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर आप लेना चाहें तो कौन सा डायल कलर प्रीफर करेंगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरा जो ओपिनियन रहेगा तीनों ही डायल कलर वेरियंट्स में कि आपको तीनों में से कोई एक ही लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए। सेल के दौरान इन वॉचेस की जो प्राइस है वो काफी बेस्ट डील में आपको ये वॉचेस मिल जाएगी। वैसे तो इनकी प्राइस रेगुलरली 1000 रुपीज से ऊपर ही रहती है, लेकिन ये सेल में आपको 600 से लेकर 800 रुपीज के बीच में मिल जाएगी। सो अगर आप इन तीनों ही वॉचेस में से कोई भी वॉच लेना चाहें तो तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इनकी सेपरेट वीडियोस चेकआउट करना चाहें तो उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की और मेरे ओपिनियन की कि अगर आपको इन तीनों में से कोई एक ही लेनी है तो आपको कौन सा वाला प्रीफर करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी यहां पर आप देख सकते हैं तीनों है आपके सामने, और मेरे हिसाब से अगर आपको कोई एक लेनी चाहिए तो आपको ये जो व्हाइट डायल कलर वेरिएंट है उसको प्रीफर करना चाहिए। अब इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं कि यहां पर ये जो व्हाइट डायल कलर वेरिएंट है थोड़ा सा ऑफ व्हाइट में आपको मिलता है, एकदम ब्राइट व्हाइट, सुपर व्हाइट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये वाला जो है वो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। बात करें इस गोल्ड डायल कलर वेरिएंट की तो यहां पर जो ब्राउन स्ट्रेप है वो किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, लेकिन ये जो ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है और पहनने के बाद में भी काफी अच्छा लगता है। दूसरा जो ओपिनियन मेरा रहेगा यहां पर जो ब्लैक डायल कलर वेरिएंट है वो रहेगा, क्योंकि यहां पर जो हैंड्स हैं और इसके जो डिजिट्स हैं वो सेम कलर के, जिससे कि आपको इसकी विजिबिलिटी और एक नजर में टाइम देखने में किसी तरीके कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। और सेम यहां पर आपको जो व्हाइट डायल कलर वेरिएंट है यहां पर भी मिलेगा, क्योंकि जो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से आप इसमें टाइम जो है वो इजीली देख पाएंगे। सो ये है मेरा ओपिनियन, अगर आपको लेनी है तीनों में से तो आप कौन सी प्रीफर करेंगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन मेरा जो फर्स्ट ओपिनियन रहेगा वो ये व्हाइट डायल कलर वेरिएंट रहेगा, क्योंकि ये तीनों में से देखने में काफी प्रीमियम लगता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं देखने में काफी प्रीमियम है, और इसका जो कलर है वो भी यहां पर आपको काफी डिसेंट सा मिलता है, जिसे आप डेली ऑफिस वॉच और एज अ कैजुअल वॉच भी पहन सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट लुक इस व्हाइट डायल कलर वेरिएंट का, जो कि मेरा ओपिनियन था। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इन तीनों ही वॉचेस में से किसी भी वॉच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप बिंदास कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और पूरी कोशिश करूंगा अगले 2 घंटे के अंदर अंदर उनका रिप्लाई करने की। सो प्लीज कोई भी अपनी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। सो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आगे भी चैनल पर बहुत सारी न्यू वॉचेस की वीडियोस आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। कोई भी अपनी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।